हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी क्रंची पीनट बटर की रेसिपी। पीनट बटर आप बाहर से अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो आपको महंगा मिलता है, और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव उसमें डाले जाते हैं, और थोड़ी सी मिठास लाने के लिए उसमें शुगर भी डाली जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही ऑर्गेनिक क्रंची पीनट बटर कैसे बना सकते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि पीनट बटर को खाने का सबसे हेल्दी और बेहतर तरीका क्या है जिससे इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर नए आए हैं तो अच्छी हेल्दी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप कच्ची मूंगफली यानी पीनट। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 2 तरह की मूंगफली रखी है, एक है बिना छिलके के और दूसरी है छिलके वाली। ये साइज में छोटी है और ये बड़े दाने वाली है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छिलके वाली यूज़ कर रहे हैं तो छिलके वाली रोस्ट करने के बाद इसके छिलके उतार लें। तो मैं बिना छिलके वाली यूज़ करूँगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में पीनट्स डाल के हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। पीनट में भी उतना ही प्रोटीन होता है जितना कि बादाम में, तो जिनके पास बादाम अवेलेबल नहीं है, सभी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं कई बार, तो वो मूंगफली का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीनट्स रोस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, इन पे शाइन सी आने लगी है। रोस्ट होते ही इसका ऑयल रिलीज होने लगा है। पीनट्स रोस्ट हो गए हैं, अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो इसे अब प्लेट में निकाल के रख लें जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएं। पीनट्स ठंडे होने पर ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। जैसे ही इनका टेम्परेचर कूल डाउन होगा हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो पीनट्स कूल डाउन हो गए हैं, अब इन्हें ब्लेंड करेंगे। पीनट बटर बनाने के लिए हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पीनट को डालते हैं अब मिक्सर जार के अंदर। अब पीनट्स को पल्स मोड पर ब्लेंड करेंगे, यानी कि रोक रोक कर ब्लेंड करना है। सबसे पहले इसे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। तो ये देखिए पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब इसे और ब्लेंड करना है और पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी में लेके आना है। पेस्ट बनाने के लिए भी पल्स मोड पर ही मशीन चलाएं, क्योंकि हाई स्पीड पे ब्लेंड करने से मशीन गर्म भी हो सकती है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट फॉर्म में आने लगी है। ऐसे ही और ब्लेंड करते रहने से बटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए पीनट का बटर निकल गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी लिक्विड ही चाहिए तो आप इसमें पीनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि पीनट बटर में सिर्फ पीनट ऑयल ही ऐड करें, कोई दूसरा ऑयल ऐड नहीं करना है। अब इसे बनाएंगे क्रंची पीनट। इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है, और इसमें अब डालेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड पीनट्स को क्रश करके इस पीनट बटर में मिला दें, और ये हो गया क्रंची पीनट बटर तैयार। अब जानते हैं पीनट बटर को खाने का बेहतर और सबसे हेल्दी तरीका। पीनट बटर को रोटी पर लगा के, सैलेड और सब्जी में डाल के खाना सबसे हेल्दी माना जाता है। पीनट्स वैसे तो बहुत हैवी नट्स होते हैं जो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, लेकिन पीनट्स का बटर बन जाने के बाद ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और पीनट बटर को फ्रूट शेक में या स्मूदी में या आइसक्रीम में डाल के भी खाया जा सकता है। पीनट बटर बच्चों को, और जो एथलीट्स होते हैं या जिम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं,
और जिन्होंने अपना वेट गेन करना है वो 1 टेबलस्पून रोज पीनट बटर जरूर खाएं, और जो बहुत फैटी हैं वो पहले अपना वेट मेंटेन करें तब खा सकते हैं, या फिर बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं। पीनट बटर को आप ग्लास के जार में डाल के फ्रिज में 5 to 6 days तक स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टोर ना करें। जब भी आपको खाना हो तब आप फ्रेश बना के खाएं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।